महारानी के जैसा है। तो यमुना महारानी को कृष्ण बना करके भेजा राधा रानी के पास, और ललिता सखी को राधा बना करके भेजा श्री कृष्ण के पास। समझ में आ रही है ना बात? उल्टा सीधा मत करना। हाँ, तो यमुना महारानी को किसके पास भेजा? भगवान सॉरी राधा जी के पास, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने लीला आरंभ की, और जब लीला की, जब भगवान कृष्ण को पता चला कि राधा जी मुझको मनाने आ रही हैं, अब थी तो ललिता सखी राधा जी के रूप में, तो सखियों ने कहा कि राधा जी आपको मनाने के लिए आ रही हैं। तो जब ललिता सखी उनको मनाने के लिए जाती हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे हमको बता दिया होता, हमको पहले ही बता दिया होता राधा रानी आ रही है मनाने के लिए, हम स्वयं चले जाते। सखियां कहती हैं कि इतनी देर से बता रहे थे तब तो आए नहीं, अब आ रहे हैं। अब राधा रानी के पास जब यमुना महारानी जाती हैं, जब यमुना महारानी जाती हैं तो राधा रानी भी यही कहती हैं, अरे उनको क्यों कष्ट दिया, उनको कष्ट ना दिया होता मुझे बता दिया होता। बोले लो, इतनी देर से तो मान करके बैठे हैं, अब मान नहीं रहे हैं, और जब आ रहे हैं मना रहे, तो कहना हमको बता दिया होता तो हम चले जाते उनके पास। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का, दोनों का मान किसने तोड़ा? ललिता सखी ने और श्री यमुने महारानी ने। एक बार कुंज में लीला चल रही थी, एक बार ललिता सखी और राधा रानी से ललिता सखी ने कहा कि राधा जी ने ललिता सखी से कहा कि मुझे ना नृत्य सीखना है, आज मेरी नृत्य सीखने की इच्छा है, तो किसके पास जाऊं? तो राधा जी ने कहा कि मैं कन्हैया के पास जा रही हूँ, मुझे नृत्य सीखना है। ललिता सखी ने कहा कि नहीं, उस छलिए के पास मत जाना, अभी कुछ चुरा लिया तो उसका कुछ मालूम है कब क्या चुरा ले। श्री राधा ने कहा नहीं, देखो ऐसा है, ऐसे नहीं कहते, ऐसे ऐसे मत कहा करो, कि प्रेम अधिक है, तो जब किसी से प्रेम होता है ना, तो उसकी जब कोई निंदा करे तो बुरा लगता है। तो राधा जी को भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम, जब ललिता सखी कहती कुछ चुरा लेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं चुराएगा, हमको नृत्य सीखने के लिए जाना है, हम तो नृत्य सीखने के लिए जा रहे हैं। तो राधा रानी जी उनके पास नृत्य सीखने के लिए जाती हैं। जब राधा रानी उनके पास नृत्य सीखने के लिए गईं, तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे किशोरी जी, आज आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? अरे श्याम सुंदर, मुझे ना आपसे आज नृत्य सीखना है। अच्छा, नृत्य सीखना है, अवश्य सिखाएंगे आपको। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को नृत्य सिखाया। अब श्री कृष्ण के सखा बोले, कन्हैया एक बात बता, तू फ्री में ही सब सारे काम कर देगा, कछु मोल ना ले। तो कन्हैया जी ने कहा कि तो ऐसा लगे कि मैं मोल ना लूं, कोई हर कार्य मैं फ्री में कर दूं, ऐसा हो सकता है ना? मोल तो मैं लेके रहूंगा। अब जब राधा रानी जब जा रही होती है नृत्य सीख के, तो गलवैया डाल लेते हैं उनके, अब बोलते हैं, अरे चलो राधा रानी, मैं आपको आगे तक छोड़ करके आता हूँ। राधा रानी बोली ठीक है चलो। तो राधा रानी और कृष्ण जी दोनों एक साथ गलवैया डाल करके जा रहे थे, तो श्री कृष्ण कहते हैं, देखो ये तितली कितनी सुंदर है ना, ये इसने पता कई जन्मों तक तपस्या करी है हमको पाने के लिए, हमको ऐसे साथ देखने के लिए ना, इस तितली ने कई जन्मों तक तपस्या करी है, देखो ना ये पेड़ कितने सुंदर हैं। राधा रानी देखो ये कितनी सुंदर यहाँ पे सरोवर है, यहाँ पे कितना सुंदर पेड़ है। राधा रानी कह रही कि हमको सब दिख रहा है, आप जाइए अब हम चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने चुपके से मुद्रिका हाथ में से निकाल ली राधा रानी के। अब ललिता सखी ने जब राधा रानी को नृत्य सीखने के लिए श्री कृष्ण के पास भेजा था, तो उन्होंने सब कुछ एक डायरी में नोट कर लिया था कि इस हार में इतने हार हैं, इसमें इतने कंगन हैं, इसमें इतने मोती लगे हुए हैं, इसमें इतने सोने चांदी के इतने सोने चांदी के लट हैं, सारी चीज़ एक डायरी में ललिता सखी ने सब याद कर ली, सब उनको पता थी। अब राधा रानी जब ललिता सखी के पास पहुंची, तो ललिता सखी ने कहा कि सीखा ही नृत्य? बोले हाँ, अच्छा नृत्य सिखाया। अच्छा, उसने कुछ लिया नहीं? बोले कहा ले वो कछू ना लियो, फ्री में सिखाए दियो? बोले हाँ सिखा दियो।
अच्छा अब आप एक काम करो, मुझे अपनी सारी जो भी आप आभूषण पहन के गई थी, जो भी आपने आभूषण धारण करे थे, वो सब हमको दिखाओ। अरे कुछ चोरी नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना, कछु ना चुराया माने, तू 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 खाम खा शक्कर है, तू मानती ना है। अरे नहीं बोले, आप मुझे दिखाओ, जब आप दिखाओगे तभी मैं विश्वास करूंगी। ठीक है तू देख ले देख ले। तो राधा रानी ने सब कुछ कि हाँ, इसमें इतने हार हैं, इसमें इतने आभूषण थे, इसमें इतने सोना था, इसमें इतना चांदी था, ठीक है ये सब बराबर बैठा, ठीक है। अच्छा उन्होंने देखा अपने हाथ दिखाओ, तो हाथ दिखाया, अब हाथ में मुद्रिका नहीं, हाथ में मुद्रिका नहीं पहनी थी, तो देखा ये मुद्रिका कहाँ गई। तो राधा जी ने कहा अरे कहीं गिर गई होगी। बोले गिरी नहीं है, ये उसी ने छलिए ना चुरा ली है। तो ललिता सखी ने इस प्रकार कहा कि तब भी राधा रानी ने कहा कि नहीं देखो ऐसा मत कहो, वो चोर नहीं है, इतना प्रेम, वो चोर नहीं है, ऐसा मत कहो कि वो चोर है, चुराई नहीं है उसने, कहीं गिर गई है, मैं कह रही हूँ ना कहीं गिर गई है। बोले कहीं गिरी नहीं है, उसने चुरा ली है, हम कह रही हैं, अब हम जाएंगे उसके पास। तो ठाकुर जी अपने महल में विराजित थे, ललिता सखी उनके पास जाती हैं। ललिता सखी कहती हैं दे दो, तो श्री कृष्ण कहते हैं मुँह पे ना है। बोले कहाँ ना है, वो जो तूने मांगो। तो मैंने कहा मांगो, बोले मुँह का पता तूने कहा मांगो, तो फिर तुमने ये कैसा कही कि मुँह ना पता। बोल तूने कही इसलिए मैंने कह दी मोहिना मा, या फेट में का एक फेट ठाकुर जी की यहाँ बंदी रहती है। बोले या फेटा खोलो। बोले या फेटा तो नहीं खोलूंगा। बोले नहीं या फेटा खोलो। बोले या फेटा तो नहीं खोलूंगा। मैंने कही खोलो, देख समझा कर, इस फेट में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, नूतन प्रलय आ जाएगी। बोले आ जान दो प्रलय आज तो, या फेटा खोलो, देख फेट खोल दियो तो प्रलय हो जाएगी। बोले प्रलय हो जान दो, फेट खोलो, देखो तुम हम पे शक कर रही हो तो राधा रानी के पास चलो, ठीक है चलो। अब राधा रानी के पास ले गए, अब राधा रानी की आंखों में से अश्रु बहे कि क्यों ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया तुमने, क्यों यहाँ पर लेकर के आई। अरे मुद्रिका छोड़ो ना, तुम क्यों मुद्रिका के पीछे पड़ी हो, रह गई होगी कहीं। तो नहीं, मैं तो साबित करूंगी कि इसी ने चुराई है, यही चोर है। तो ललिता सखी ने कहा कि इससे कहो कि ये फेंट खोले अपनी। अब ठाकुर जी फेंट नहीं खोले, तो राधा रानी ने कही कि खोल दो ना फेंट। तो ठाकुर जी ने एक तरफ फेंट दबा के रखी और दूसरी तरफ से खोल दी। बोले देख लो कुछ नहीं है इसमें, कही थी ना कुछ नहीं है। और तभी ललिता सखी ने दूसरी तरफ से खोल दी, तो अंगूठी गिर गई, मुद्रिका गिर गई। बोली जय श्री कृष्ण। तो मुद्रिका गिर गई और उसी समय फेंट जब खुल गई, मुद्रिका गिर गई, तो बोले देख लो हमने कहा था ना यही चोर है। तो राधा रानी ने कही अरे ये फेंट क्यों खुल गई, या मैं फेंट की गलती है, क्यों खुल गई फेंट, खुलनी नहीं चाहिए थी। और राधा रानी को बड़ा कष्ट हुआ, राधा रानी को कष्ट हो रहा है कि ये फेंट क्यों खुल गई। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नित्य कुंज में लीलाएं चलती हैं, साकेत में श्री राम जी की और सीता जी की लीलाएं चलती हैं। हमारे गोविंद देव जी हैं जयपुर के अंदर, तो उनको किसी ने एक राजा था वहाँ का, तो उसने उनको वहाँ का जयपुर का राजा बना दिया, गोविंद देव जी को। गोविंद देव जी जयपुर के राजा हैं। तो एक बार राधा रानी और गोविंद देव जी विराजित थे, और वहां पे पुजारी से तो साक्षात बात करते थे ठाकुर जी। तो एक बार ठाकुर जी का मन हुआ कि हमको चोरी करने के लिए जाना है। वो तो राधा रानी ने कही राजा बन गए हो, अब राजा बन गए हो और अब भी चोरी करने की आदत गई नहीं, डंडे पड़ेंगे, कोई क्या कहेगा कि राजा हो और चोरी कर रहे हो। तो नहीं हमें तो जाना है, हमें तो चोरी करनी है, हमें चोरी का माल बड़ा प्रिय लगता है। ठाकुर जी को चोरी का माल बहुत प्रिय है, चोरी का माल हमें बहुत अधिक प्रिय लगता है, चोरी का माल उनको प्रिय। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी चोरी करने लग जाएं। बोले जय श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमको चोरी करने के लिए जाना है। बोले कहाँ जाओगे।
बोले एक बगीचा है वहाँ पे बड़े स्वादिष्ट अमरूद लगे हुए हैं, उनको हमें खाने के लिए जाना है। अच्छा अमरूद खाओगे? वह बगीचे के मालिक ने देख लियो ना, इतने डंडे मारे वो कि होश ठिकाने ना आएंगे। तो ठाकुर जी नहीं माने और बोले आपको भी मेरे साथ चलना है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हैं, राधा रानी को भी साथ में ले जाएंगे। अब राधा रानी को भी जाना पड़ा ठाकुर जी के साथ में। अब राधा रानी और ठाकुर जी भी एक साथ गए। जब राधा रानी और ठाकुर जी एक साथ गए, रात्रि का समय था और रात्रि के समय में जब दोनों एक बगीचे में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन अमरूद ज़्यादा पके नहीं, अमरूद कच्चे हैं, कच्चे ही अमरूद ठाकुर जी तोड़ लेते हैं। बगीचे के मालिक को आवाज़ आती है, कौन है? वो डंडा लेकर के भागता है, कहीं चोर तो नहीं आ गया, चोर तो नहीं आ गया, तो डंडा लिया और पीछे भागा। अब पीछे भागा तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी राधा जी के साथ अब मंदिर में जाकर के विराजित हो गए, लेकिन वो कच्चा अमरूद नहीं छोड़ा, वो भी साथ में लेकर के आए। कच्चा अमरूद जब लेकर के आए तो राधा जी ने मना करी, अभी कच्चा है मत खाओ। तो माने नहीं, अमरूद खा गए, छिलके पीछे फेंक दिए। अब सुबह जब कपाट खुले, पंडित जी ने आकर के अंदर देखा तो उन्होंने देखा, आप कई जातियाँ जब चोरी करेंगे तो सारी जो व्यवस्थाएं वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। हमारे बिहारी जी बड़ी लंबी लंबी मालाएं पहनते हैं, वैजंती की माला, कोई इतनी लंबी माला पहने यहाँ से पैर तक तो व्यक्ति पर चला नहीं जाएगा। अब ये हमें समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी इतनी लंबी माला आखिर पहनते क्यों हैं, पहले नहीं अब आ गया समझ में। लेकिन बोले जब ठाकुर जी चलते हैं ना तो पुष्प जो है आगे आगे बिछते हुए चलते हैं कि ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हमारे ठाकुर जी बहुत लंबी मालाएं पहनते हैं। जब पंडित जी देते हैं ना मालाएं, बिहारी जी पे आप जाइए तो ऐसे डबल करके पहनाते हैं, ज्यादा लंबी माला होती है। तो पंडित जी ने सुबह प्रातःकाल होती कपाट खोले गोविंद देव जी के, बोले जय जय, कहाँ से आ रहे हो? और मैंने आपको आभूषण धारण कराए थे, ये वस्त्र धारण कराए थे, ये सब कुछ, जय जय इतना मेला क्यों हो गया, कहाँ गए थे आप? तो राधा रानी कहती हैं चोरी करने गए थे, चोरी करके आ रहे हैं। बोले जय जय आपने चोरी करी है, आप चोरी करके आ रहे हो? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं तो और क्या? बोले कहाँ चुरा के लाए? बोले अमरूद चुरा के लाए, और चोरी को माल इतेक प्रिय है, इतेक प्रिय है कि कच्चो अमरूद बहुए खा गए, कच्चो अमरूद खा गए, छिलका पीछे पड़े हैं, आप जाके देखो। अब पंडित जी ने देखा तो छिलके पीछे पड़े थे, और छिलके पीछे पड़े, बोले जय जय धन्य है आपकी लीला। अब पंडित जी उस बगीचे वाले के पास जाते हैं, बगीचे वाले के पास जब जाते हैं तो उसको वृतांत बताते हैं। तो बगीचा वाला कहता है कि ठाकुर जी मेरे यहाँ पर आए और मैं डंडा लेकर के भागा। पंडित जी रुदन करके कहते हैं कि अरे भाई तू तो धन्य है, श्री कृष्ण के पीछे यदि कोई डंडा लेकर के भागा था या तो वो यशोदा मैया थी या तू है, इसलिए प्रसन्न हो।